ट्रेडिंग की लास्ट डेट में बचे हैं सिर्फ 15 दिन। आखिर क्या अपडेट है जसवाल की ट्रेडिंग की, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1083वां एपिसोड। आज 3 नवंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल और वर्ल्ड कप को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही, चाहे 2024 का आईपीएल हो, चाहे आईपीएल की नीलामी हो या वर्ल्ड कप हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे है फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो यह अच्छी खबर नहीं है ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। बेशक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप में शुरुआत काफी खराब रही थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया लगातार दावेदारी कर रहा है सेमीफाइनल में पहुंचने की। अच्छे खासे चांसेस हैं इनके, लगातार टॉप 4 में बने हुए हैं। लेकिन मिचेल मार्श अचानक से अपने देश ऑस्ट्रेलिया वापस लौट गए हैं कुछ पर्सनल रीजंस के चलते। इनडेफिनेट टाइम के लिए मिचेल मार्श जो है अब ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मतलब आने वाला जो इनका बड़ा मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, शायद उसमें भी ना खेलें, और उसके बाद कब वापस आएंगे ये अभी तय नहीं है। मिचेल मार्श क्यों गए दोस्तों, इसको लेकर 2-3 कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कारण अभी तक कंफर्म नहीं बता रहा है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्या कुछ हुआ है ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में, ये भी नहीं सामने आ रहा है साफ तौर पर। इनको लेकर आगे जो भी अपडेट आएगी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम पर दोस्तों वर्ल्ड कप हो, आईपीएल की नीलामी हो, पर्दे के पीछे की एक एक अपडेट सबसे पहले डल जाती है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाइए फ्री में टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां से बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट दोस्तों आ रही है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर। एक झटका कम नहीं था, दूसरा झटका भी लगा है। ग्लेन मैक्सवेल भी इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड कप के दौरान ही गोल्फ खेलते हुए इन्हें कंक्यूजन हुआ है, हल्की सी चोट लगी है, जिसके चलते अब ग्लेन मैक्सवेल इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले बड़े मैच में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इस मैच के लिए ये अनफिट रहने वाले हैं। हालांकि दोस्तों मैक्सवेल का ये जो कंक्यूजन है ये कितने दिन चलेगा, ये जो कंक्यूजन जो दिमागी इंजरी होती है ये कितने दिन में सही होगी, इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि आने वाले 2-3 मैच ये मिस कर जाए, हो सकता है कि पूरे सीजन का ही हिस्सा ना बने। तो मैक्सवेल ने भी एक दूसरा बड़ा झटका ऑस्ट्रेलियन टीम को दे दिया है। इन दो बड़े प्लेयर्स के बाहर होने या इनकी जो स्थिति बनी है इसके कारण अब ऑस्ट्रेलिया के चांसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इस पर आप ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपसे बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। डेविड विली जो कि तेज गेंदबाज है इंग्लैंड के, बड़ा ऐलान कर दिया है। डेविड विली ने साफ कर दिया है कि वर्ल्ड कप के तुरंत बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, टेस्ट, ओडीआई, टी20, तीनों प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे। मतलब वो इंग्लैंड के हवाले से अब किसी भी प्रारूप का इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हालांकि विली की उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं है, दुनिया भर की अलग अलग टी20 लीग्स में अच्छी खासी डिमांड भी है विली की। तो ये कहा जा रहा है दोस्तों कि डेविड विली अब दुनिया भर में सिर्फ टी20 लीग्स ही खेलते हुए नजर आएंगे। यहां से सवाल उठ रहा है दोस्तों इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। रिसेंटली जो इनका नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है उसके बाद भी प्लेयर्स खुश नहीं थे, और अब विली का एकदम से संन्यास लेने का ये जो खबर आया इसके बाद यहां से पता लगता है दोस्तों कि इंग्लैंड हार तो रही है, ड्रेसिंग रूम और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और ओएन मॉर्गन ने जो एक हफ्ते पहले बयान दिया था, ओएन मॉर्गन ने कह दिया था कि ईसीबी में सब कुछ सही नहीं है, ड्रेसिंग रूम में सब कुछ सही नहीं है, वो सही होता हुआ यहां पर खबर आने के बाद नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज से बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो आज अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैच होगा। इंडिया के बाद कोई दूसरी टीम जिसको मैं इस वर्ल्ड कप में सपोर्ट कर रहा हूं, और आप भी करिए दोस्तों प्लीज, वो अफगानिस्तान की टीम है, क्योंकि इस टीम ने बहुत समय, बुरा समय देखा है। आज अफगानिस्तान का नेदरलैंड के साथ मैच होगा लखनऊ में। नेदरलैंड इस वर्ल्ड कप में उलटफेर करने के लिए जानी जा रही है। हो सकता है आज के मैच में भी अच्छा क्रिकेट खेल ले। अगर आज अफगानिस्तान जीतता है तो अफगानिस्तान अपनी जगह और मजबूत करेगा सेमीफाइनल के स्पॉट के लिए। राइट नाउ लगभग 30% चांस है अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के। अगर आज ये लोग नेदरलैंड को थोड़े से बड़े अंतर से हराने में कामयाब हो जाते हैं तो इनके 40% चांस हो जाएंगे। तो देखते दोस्तों आज कौन जीतता है। तो हम तो यही बोलेंगे अफगानिस्तान जीते। आप किसकी तरफ है कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऐसे बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की।
हिंदुस्तान के क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो वानखेड़े स्टेडियम में कल हमें देखने को मिला। दरअसल दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की एक स्टैचू, एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर जिनकी स्टैचू है मैदान के अंदर, मैदान के प्रिमाइस के बाहर नहीं, अंदर। दरअसल दोस्तों, ये जो स्टैचू वानखेड़े स्टेडियम में बनाया गया है ये मैदान के अंदर है। जब आप क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पर या कोई भी मैच चलेगा तो ये स्टैचू मैदान के अंदर दर्शक दीर्घा के बीच ही देखने को मिलेगा। तो जाहिर है कि ये जो खिताब था ये गॉड ऑफ क्रिकेट को ही मिलना था। और सचिन का स्टैचू एक बहुत गर्वान्वित पल है दुनिया की क्रिकेट के लिए भी और हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए भी। तो इस स्टैचू के लिए लाइक जरूर बनता है क्योंकि सचमुच इस स्टैचू के बनने के बाद वानखेड़े स्टेडियम और आइकॉनिक हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज से बात कर लेते हैं दिन भर की छठ भी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों सेमीफाइनल की दौड़ के हवाले से। बेशक न्यूजीलैंड इस समय अपने लास्ट तीनों मैच हार चुकी है और सेमीफाइनल की दौड़ में दिन प्रतिदिन पिछड़ती जा रही है। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि यहाँ से न्यूजीलैंड के क्वालिफाई करने के चांसेस घट गए, लेकिन ग्लेन फिलिप ने एक बड़ी बात कह दी। ग्लेन फिलिप ने कह दिया है, वी आर जस्ट टू विंस अवे इवन आफ्टर साउथ अफ्रीका थ्रेसर्स। उन्होंने साफ कह दिया कि हम सिर्फ दो जीत दूर हैं, अगर हमें दो मैचों में जीत मिल जाती है तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। हमारे अभी 8 पॉइंट है, हम दो मैच जीत लेते हैं हमारे 12 पॉइंट्स हो जाएंगे और 12 पॉइंट्स में हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो साफ है भैया कि इस समय सेमीफाइनल की दौड़ तेज है और न्यूजीलैंड ने अपना सीधा गणित बिठा लिया है। ग्लेन फिलिप बोल चुके हैं कि दो मैचेस है, जीतना है, क्वालिफाई करना है। अब क्या न्यूजीलैंड अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीत पाएगी, ये तो आप बताओ ना, अपनी प्रिडिक्शन कर दो नीचे कॉमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। जायसवाल की ट्रेडिंग को लेकर आ गई है बड़ी अपडेट, सिर्फ 15 दिन बचे हैं। यशस्वी जायसवाल ने दो बड़ी डिमांड कर दी। आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम में 4 करोड़ रुपए में जायसवाल खेल रहे थे। पिछला सीजन बहुत अच्छा गया था, पिछले सीजन के बाद इंडिया के हवाले से डेब्यू भी कर लिया था। अब अपने फॉर्म और अपने कद को देखते हुए जायसवाल ने दो डिमांड करी है राजस्थान रॉयल्स से। पहली डिमांड यह है कि मेरी जो पेमेंट है वो बढ़ाओ, 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसे 8 करोड़ रुपए किया जाए। तो जायसवाल ने पेमेंट हाइक की डिमांड की है, 8 करोड़ रुपए सालाना मांगे हैं जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स की टीम से। दूसरी डिमांड यह है कि अगर आप सैलरी हाइक नहीं कर सकते तो या तो मुझे ट्रेड होने की इजाजत दी जाए या मुझे रिलीज होने की इजाजत दी जाए। आपको बता दूं दोस्तों कि राजस्थान रॉयल्स की टीम जायसवाल को ट्रेड नहीं करना चाहती है और हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स वाले जायसवाल की डिमांड 8 करोड़ वाली मान ले। अभी तक राजस्थान के हवाले से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स इस बारे में विचार कर रहा है कि जायसवाल की 8 करोड़ की डिमांड को मान लिया जाए क्योंकि जायसवाल बहुत जरूरी है। आपको बता दूं दोस्तों, अगर जायसवाल नीलामी में चले गए तो 15-16-20 करोड़ में भी बिक सकते, इतनी डिमांड है उनकी नीलामी में। लेकिन जायसवाल ने सिर्फ 8 ही करोड़ मांगे राजस्थान रॉयल्स। अब देखते हैं दोस्तों इस पर आगे क्या होता है। एक बड़ी अपडेट दोस्तों यहां से यह भी निकल कर आई है कि अगर जायसवाल के ये राजस्थान रॉयल्स वाले नहीं मानते हैं तो जायसवाल ट्रेडिंग के लिए भी जा सकते हैं और नीलामी में भी जा सकते हैं। आरसीबी सीएसके दोनों पीछे पड़ी हुई है जायसवाल के। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जायसवाल को लेकर जो भी अपडेट आगे आएगी दोस्तों, 15 दिन बचे हैं ट्रेडिंग में, हम दे देंगे हमारे टेलीग्राम पेज पर। लिंक इस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, फ्री में 50,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां से ट्रेड होना चाहिए नहीं होना चाहिए आप बताओ कॉमेंट बॉक्स में। जायसवाल को आठवीं बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है पाकिस्तान के नए कप्तान को लेकर। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बड़ी अपडेट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो चुकी है लॉबी, मिलने वाला है इन्हें वर्ल्ड कप के बाद नया कप्तान। मोहम्मद रिजवान हो सकते हैं अगले पाक कप्तान। आपको बता दूं दोस्तों कि इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेट एंड वॉच का गेम खेल रहा है। यहां से दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहा है कि बचे हुए मैचों में पाकिस्तान की टीम किस तरह से परफॉर्म करती है। अगर कोई बड़ा चमत्कार कर लेती है पाकिस्तान और सेमीफाइनल में कर लेती है तो बाबर की कुर्सी बच जाएगी, लेकिन अगर यहां से पाकिस्तान बाहर होती है और विदाउट सेमीफाइनल वापस अपने देश लौटती है तो बाबर आजम की कुर्सी छिनने वाली है। रिपोर्टेडली T20 और ODI क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जा सकता है। मोहम्मद रिजवान जो पिछले 3 सालों से ही एक्टिव क्रिकेट पाकिस्तान नेशनल टीम में खेल रहे हैं, क्या कप्तान का सही रोल निभा पाएंगे, ये तो आप बताओ कॉमेंट बॉक्स में। लेकिन मेरे हिसाब से इन्हें कप्तान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मेरे हिसाब से पूरी टीम का फेल्यूर था। और बाबर आजम कप्तान के रूप में कभी बहुत खराब दिखे नहीं, वो एज ए टीम ही पाकिस्तान हारी। बाकी इस पर आप भी अपनी राय जरूर देना, क्या इन्हें कप्तान बदलना चाहिए या नहीं। हालांकि हमारा पड़ोसी ऐसे ही है, ये इसी तरह के फैसले लेता है। इनकी भाई इन पर बात करना भी फिर बेकार है, वही बात है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं।
ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों पाकिस्तान के ही एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड के हवाले से। ये जो रिकॉर्ड आया है ये बताता है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो किस तरह से आईसीसी रैंकिंग को एक तरह से कब्जाने की कोशिश करता है। इस समय पाकिस्तान अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रही है वर्ल्ड कप में, बहुत एक्सेप्शनल क्रिकेट इनके प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, लेकिन राइट नाउ आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में भी बाबर आजम नंबर एक चल रहे हैं और आईसीसी की ओडीआई बॉलर्स रैंकिंग में भी शाहीन शाह अफरीदी नंबर एक चल रहे हैं। मतलब बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ लगातार पिटने और अच्छा नहीं खेलने के बावजूद भी ये टॉप पर बने हुए। यहां से पता लगता है कि इनकी जो रैंकिंग है ये जो पहले इन्होंने छोटी टीमों को हरा हरा कर रन्स बनाए हैं उससे निकल कर आई है। और यहां से एक चीज और पता लगती है इस आंकड़े के आने के बाद, सवाल ये बहुत बड़ा उठता है कि क्या आईसीसी रैंकिंग की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? क्या आईसीसी रैंकिंग आप छोटी टीमों को हरा कर बना सकते हो? और अगर बना सकते हो तो फिर तो आईसीसी रैंकिंग होनी ही नहीं चाहिए भाई। जब आप किसी भी टीम को हरा कर किसी भी पद पर बैठ सकते हो, आईसीसी रैंकिंग में नंबर एक पर बैठ सकते हो और एट द एंड बड़े मैचों में आप हार जाते हो, तो फिर उस रैंकिंग का क्या मतलब? मेरा सवाल तो यही है। बाकी आप इस पर अपनी राय और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं, यहां से बात कर लेते हैं अब दिन भर की 10वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है टीम इंडिया के लिए, बड़ी खुशखबरी है। लाइक बनना चाहिए दोस्तों इस खबर के लिए, क्योंकि भारत अब ऑफिशियली क्वालिफाइड कर गया है सेमीफाइनल के लिए। कल श्रीलंका को बुरी तरह से रौंदा है भारत की टीम ने। भारत की गेंदबाजी ने एक बार फिर वर्ल्ड कप की सभी 10 टीमों को कल मुंबई में डरा कर रख दिया। श्रीलंका को 55 पर ऑल आउट कर ये बता दिया कि यहां के तो सिर्फ भैया हम ही सिकंदर है। इस समय दोस्तों अगर आप टेबल की भी स्थिति देखेंगे तो इंडिया क्वालिफाइड कर गया है, साउथ अफ्रीका लगभग क्वालिफाइड है, अभी भी नंबर 3 और नंबर 4 के ऊपर बड़ा सवाल क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन कल की हार के बाद अब श्रीलंका के चांसेस भी जीरो हो गए हैं। बांग्लादेश ऑलरेडी आउट हो चुका था, इंग्लैंड भी ऑलरेडी आउट हो चुका था, कल की हार के बाद लंका भी एक तरह से आउट हो गया है। टेबल पर दोस्तों आज भी बड़ा मैच होगा और आज भी बड़े करामात होने वाले। अगर अफगानिस्तान आज जीतता है तो नेदरलैंड आज बाहर हो जाएगा और अफगानिस्तान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच फिर लड़ाई रहेगी नंबर 3 और नंबर 4 की। चलिए दोस्तों ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं होगी। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबा।